नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए एक और क्रिटिसाइज वीडियो पर हम आज डिस्कस करेंगे आईटी कानपुर के बारे में। इससे पहले मैंने किस तरीके से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से आईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं वो मैथमेटिकल मॉडल लाते हैं और बोलते हैं कि ये वेव का जो पीक है या जो भी आपके कोरोना से रिलेटेड वेव्स हैं उसमें ये पीक आएगा और ये आपकी वैल्यू गिरने लगेगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये डराने का काम हुआ है। मेरा ऑब्जेक्शन या मेरा जो विचारधारा है, मेरा जो व्यू है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप आईटी कानपुर के हैं या आईआईटी के हैं तो आप हर चीज़ जानें। ये काम होता है लाइफ साइंस वालों का या फिर समझ लीजिए डॉक्टर का, इवन डॉक्टर का भी नहीं होता है, आपके जो वायरस से संबंधित विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका ये काम होता है। फॉरेन में इनके प्रॉपरली कोर्स होते हैं, तो इस तरीके से वो उनका काम है कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर है, किस तरीके से हम एक्सपोज हो रहे हैं, किस तरीके से हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये सब पैरामीटर होते हैं। और आप एक मैथमेटिकल मॉडल से ये सब सारी चीज़ों को बता देना ये पॉसिबल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर जगह अपना ज्ञान दें। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि आईआईटी कानपुर की एक और बकवास अभी लेटेस्ट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों वो जो बकवास है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? वो बकवास है फिर से कोरोना से संबंधित, जिसमें ये बोला गया है कि जून में फिर से कोरोना का पीक आएगा, मतलब एक तरह से फोर्थ वेव आएगी। मतलब आप मैथ्स जानते हैं, मैथ्स के कुछ पैरामीटर जानते हैं, मैथ्स की कुछ वैल्यू जानते हैं और मॉडल में पुट करते हैं और आंसर ले आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रोफेसर लोग, ये सब चीज़ मॉडलिंग पे नहीं चलती, दुनिया मॉडलिंग पे नहीं चलती। अगर मॉडलिंग में चलती तो आज हम कोविड को रोक पाते, आज हमें पता चलता कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो जनरली हम स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी सब लगाते जरूर हैं, पर डेली लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। केवल हम एक सर्टेन लेवल तक प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये सब डेटा देते हैं, लोगों को डराते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा उससे अगर सही में आपकी बात पर लोग विश्वास करने लगे। आप एक रिप्यूटेड संस्था से आते हैं आईआईटी कानपुर, जो कि भारत का ऐसी संस्था है जहाँ हर साल स्टूडेंट कम मार्क्स के कारण निकाल दिए जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट अगर इस टाइप की बातें समय समय पर रहे तो एक बहुत गलत बात है। अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर में एक रिसर्च किया गया, वो बेसिकली जो लोग थे, जो प्रोफेसर थे, वो आपका बायोलॉजी से जुड़े लोग थे, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत सही डेटा होता है। हालांकि उसके बारे में मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना ज़रूर पता था कि वहाँ के एक्सपर्ट जो इस फील्ड पर काम करते हैं उन्होंने एक डेटा दिया था। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रोफेसर हैं, मैथ्स के प्रोफेसर हैं, तो आप मॉडलिंग करके पूरी दुनिया को डराने का काम करें। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सा जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।